कैप गैंग, वेलकम बैक टू अनदर PUBG मोबाइल का एक ऐसा गेम है जिसके अंदर हम अपना हमारी प्यार भरी जगह, आपको तो पता ही यार, मैं क्या बताऊँ, ये तो कहते हैं ना, रिश्ता जुड़ चुका है मेरा और नोवो का। एक टाइम था जब पोचिंग की और किंग एंड्रू के किस्से चलते थे, क्योंकि पोचिंग हमारा एक्स घर था, लेकिन अब हमारा न्यू घर है नोवो, मतलब हमारी जो एक्स है उसका कट चुका है, ऑफकोर्स मतलब पोचिंग की का कट चुका है, मेरा उसका ब्रेकअप हो गया। अब मेरी चल रही है बात में नोवो से, तो भाई नोवो हमारी अब से न्यू पबजी गोल फ्रेंड है, क्योंकि भाई हमारी इसी शक्ल वालों को तो रियल में मिल नहीं सकती, लेकिन नेवर माइंड, हम आ गए हैं नोवो में, उतरते ही हमको मिला कुछ नहीं, क्यों मिलेगा नहीं, पबजी तो तब भी चाहे कोई भी मिल जाए, अंदर से तो वैसे ही है ना, स्त्री वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती, सेम वे पबजी है, कुछ भी कर सकता है, तुमको निहत्ता मरवा सकता है तुम्हारी फेवरेट जगह पे। तो भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे भाई, किसी लूट लाट कुछ मिल जाए यार, कुछ अच्छी खासी, लेकिन नहीं, भाग्य जा रहे हैं पागल जैसे, ना लूट ऐसे कब तक चलेगा पबजी, कुछ करो ना, लूट वूट बढ़ा दो थोड़ी, नहीं एक ऐसा रूल बना दो कि हर बंदा एक गन के साथ स्पॉन ही होगा, वो कितना बेटर होगा, नहीं गन के लिए इतना नहीं चौपा करना पड़ेगा भाई, लेकिन कहाँ माने ये कुछ हमारी बात, दे दी उठाकर हमको शॉटगन हमारे हाथ, तो भाई हमको एकदम से मिल गई फिर एक कैम में, एंड हमारा तो भाई दिल बाग बाग, लेकिन इतने में हमारा प्लेयर नंबर वन का हो गया। Enemies ahead. अरे आला जादू हो भाई साहब, इतना गुस्सा काहे कर रहे हो, अरे ये अंकल इतना गुस्सा क्यों, क्या बीवी ने छोड़ दिया क्या, या फिर घर में बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे यार, उजी ऐसे बजाया जा रहा है बे यार, इतना मासूम सा बच्चा हो, मैं ऐसे थप्पड़ जाते हैं भूसे घूसे बजाओगे तो कैसे चलेगा भाई, बंदो ने उजी उठा करके 25 की 25 गोलियां मेरे में डाल दिया यार, मतलब बहुत गुस्सा था यार मेरे से, बंदा मानता हूँ मैं, एंड क्या होता है ना फिर कि अब एक और स्क्वाड होती है नोवो में, अब मैं तो कूदम कादी कर रहा हूँ तो खल्ले में ना यूं एकदम पूरे स्वैग में, वो बंदे मेरे को ऑलमोस्ट पकड़ लेते हैं यहाँ। लेकिन उल्टा स्कैम हो जाता है इन लोगों का, क्योंकि भाई मैंने उल्टा इन्हें डैमेज दे दिया एंड इन्होंने ना फॉल बैक कर लिया, एंड इसी के बाद जो लड़ाई बची है ना कैब गैंग वेयर हाउस के अंदर, क्या ही बताऊं, ना 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 ये तो तुमको मजा आ जाएगा जिंदगी का देख करके, क्योंकि भाई मैं आया यहाँ पर टीपीपी लेता हुआ कि अब तो बंदे आने दो, ना नहीं आने दो, अब तो भाई केड़े से कम हो गए, थप्पड़ लाते हैं घुसा पोसा पड़ेंगे, इनके अब बैंड बजने वाली है, मैं आराम से टीपीपी ले रहा हूँ, अब इनके धीरे धीरे बंदे कम आ रहे जोन, मतलब वेयर हाउस के अंदर घुस रहे हैं, और फिर एकदम से मैंने मारा लेफ्ट से फ्लैंक, एंड उसके बाद तो यार देख ही लो क्या हुआ यहाँ पर इनके साथ। इसी के साथ ये स्क्वाड भाई साहब पूरे के पूरे अला जादू करके साफ, मतलब एकदम पूरी की पूरी साफ, एंड क्या कहेंगे इसी के साथ ये ना नोवो हमने पूरा अच्छे से मस्त खत्म वतम सा कर दिया। आज हम लोग सब्सक्राइब नहीं मांगेंगे, आज हम लोग कुछ और मांग, आपको पता होगा गाइस आपके घर के बाहर, ऑफकोर्स अभी जब कोरोना वायरस का सीन चल रहा है तो भाई अले तो घर पर रहो, सेफ रहो, आपके घर के बाहर यार तुमको डॉग्स दिखते रहेंगे, आते जाते रहते हैं, उन बेचारों को खाना दे देना अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई मिलता है तुम्हें, क्योंकि भाई उन बेचारों का सहारा तो हम लोग ही हैं, हम घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर वो तुम्हारे डोर तक आ रहे हैं तो डोर तक खोल के कम से कम उनको रोटी ब्रेड जो मिल जाए वो दे देना कम से कम, क्योंकि क्या है ना वो बेचारे हमारे दम पे पूरे हैं, अगर हम उनको कुछ नहीं देंगे तो उन बेचारों का क्या होगा, तो इसलिए जितने भी अगर तुम्हारे पास कोई भी अगर गाय आ जाए डॉग आ जाए कुछ भी आ जाए ना तो उसको कुछ दे देना,
लाइक कोई भी दे देना, ठीक है, घर के बाहर मत घूमने फिरने निकल जाना खाना पीना लेने के लिए, अगर तुम्हारे पास है तब कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाहर पार्टी करने निकल जाओ। तो अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई डॉग आ रहा है तो उसको तुम खाना दे देना। लाइक हम कैब गैंग ये करने वाले आज, लाइक ये आज का गोल है, ठीक है। तो अपने घर के बाहर देखना, अगर कोई डॉग मिलता है घूमने मत जाना, पहली बात मैं घर के अंदर से कह रहा हूँ, या कोई गाय मिलती है कुछ मिलता है उसको कुछ खाने को दे देना, यही आज की मेरी एक मांग है छोटी सी। एंड इसके बाद हम चल दिए फ्लेयर के पास, क्योंकि भाई अब एक नहीं दो दो फ्लेयर आए थे। अब भाई जब दो दो फ्लेयर आती हैं तो भाई दिल भाग भाग हो जाता है। एंड एक और चीज़ गाइस, अगर तुम देते हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई आज तुमने एक डॉग को खाना दिया है। लाइक यार यू नो दी, ये अच्छी चीज़ें हैं करने लायक, यू नो ये चीज़ें जो लाइक हम सब लोगों को एकजुट बनाती हैं, एक साथ बनाती हैं, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कम्युनिटी, इनको आगे बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि भाई प्यार बांटने से बढ़ता है ऑफकोर्स, एंड एनिमल्स ऑफकोर्स डिजर्व सम लव फ्रॉम अस। सो अब भाई ये लोग तो भाई अंधे प्यार के भाई सब लूटते जा रहे हैं, भाई हमें भी दे दो थोड़ा प्यार यार, हम भी लूट लेंगे थोड़ा बहुत, एक फ्लेयर हमारे नाम दे दो। लेकिन नहीं, एनिमीज अहेड, मेरे बगल से लेफ्ट से गाड़ी आई, वो डुग गई गाड़ी। ओ भाई ये बंदे अलग ही स्वैग में आ रहे हैं, पूरा लेफ्ट से फ्लैंक फ्लूंक मार के आ गए यार मारने के लिए। यार ठंड पालो पाजी, इतना भी क्या गुस्सा है जिंदगी में आपकी, लाइक आ गए भाई मुक्का लेके मारने के लिए, पूरी गाड़ी देख रहे हो कैसे घुसाई अंदर तक। एंड ये गाड़ी तो कुछ कर रही है शायद, लाइक गलत नज़रों से इन गाड़ियों को ना देखा जाए गाइस, प्लीज़ कर रहा हूँ मैं, लाइक देख लो चलो, वैसे भी जियो बाबा नहीं देखने देते, सैड लाइफ। तो अब क्या होता है कि ये गाड़ी तो आकर के फूक जाती है कैब गैंग, एंड अगर तुमको अभी तक भाई वीडियो में मज़ा आ रहा है, एंड अगर आपको पता नहीं है तो हम भाई डेली लाइव आते हैं रियो टीवी पे सुबह 12:30 बजे, तो भाई ज़रूर जाकर मेरे फॉलो कर लेना रियो टीवी पे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर हम साथ में पबजी खेलते हैं ऑफकोर्स। तो सामने बंदे थे और मेरी गन थी, तो मैं तो फुल स्पीड आया, यू नो एकदम चकाचंद एंड ऊपर चढ़ गया कि भाई अब तो मज़ा आने वाला है भाई, इनको पता ही नहीं है स्क्वाड्स वालों को मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ। एंड अपनी M4 उठा करके तुम्हारे भाई ने खुला स्प्रे मार दिया। तो अब मैं यहाँ पे यू नो एकदम छत पे बैठ के मजे ले रहा था जिंदगी के, कार 98 के चाटे मार रहा था, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहे भाई, लाइक खून आने का है लेकिन लगने का नहीं, कहते हैं ना डैमेज लगेगा लेकिन लगेगा नहीं, क्या ही करें भाई, ये पबजी के नशे हैं गाइस, गन जेड़े नशे हैं, डॉग कर देगा गेम में नोबड़ा। ओ भाई मारो मुझे मारो, ये बंदा क्या पीकाबू ले रहा था, रहा है पीकाचू, मतलब बंदा भाई स्कारल का प्री फायर मर रहा था, मैंने इसके अगेंस्ट प्री फायर जा करके इसको प्री फायर मार दिया, गलत स्कैम। तो अब यार ये डीपी वाले बंदे ने बहुत ही खतरनाक डीपी चलाए थे, बट इसको अपनी खुद की डीपी देखने लायक मैंने हालत नहीं छोड़े, क्योंकि भाई मैंने इसके डीपी को मारा M416 द गार्ड गन का स्प्रे, एंड इसका वक्त बदल दिया, जैसे बाट बदल दे जंड के बदल दे, क्योंकि इसके बचे हुए बंदे भी पिल गए और दूसरी स्क्वाड ने इनको आकर के मार दिया ना, तो मैंने कहा यार ये तो मस्त हो गया, नहीं 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 ये तो मस्त हो गया, अरे पाजी अरे वाह भाई वाह वाह भाई वाह। तो अब क्या होता है कि मेरे पास मिल जाती मेरे को कार 98 के साथ 8x, मेरे को हक्षे 8x दे देता जो क्रैकर भैया है हमारे, और उसके बाद तुम्हारे भाई ने जो ही चाटा मारा, अरे ना भाई ना जो ही चाटा मारा है यहीं से उठा करके पहाड़ के पल्ले मारा है भाई साहब, बिना किसी देरी के मस्त पेल दिया भाई, मैंने तो नहीं आग लगा करके पेल दिया एकदम, यू नो मसाकली टाइप। तो मैंने 8x निकाला एंड सामने वाले बंदों को एम करके दिखाया एंड उनके टकल पे मारा। तो पट से हेडशॉट मार के मैंने सामने वाले बंदे को नॉकआउट तो कर दिया, लेकिन ये बंदे यार निकल गए,
मैंने तो भाई गाड़ी निकाल ली इनको मारने के लिए। मैंने कहा बस बहुत हुआ भाई, अब मैं आ रहा है तुम भाग रहे है। मैंने अपनी फेक टैक्सी निकाली, डाओ देखा ना ताओ, गाड़ी मारे पूरी हो ना पूरा डर करके एक्सेलरेटर पे चल दिया गाड़ी लेकर के इनके पीछे, लेकिन ये बंदे फुल स्पीड भाग लिए। मैंने कहा अरे वाह, फेक टैक्सी आपके पीछे और आप फेक टैक्सी के पीछे, टू मच फन। सो कैब गैंग, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आज एक न्यू गिव अवे लॉन्च कर रहा हूँ आज इस वीडियो के अंदर, जो कि है एक रेड मैजिक 3 का गिव अवे, जो कि एक गेमिंग फोन है भाई। तुम्हारा भाई एक न्यू गिव अवे देखा, आपको पता है पहले ही मेरा एक पोको F1 का गिव अवे चल रहा है रियो टीवी पे, बाय द वे ये दूसरा गिव अवे मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये गिव अवे एक्चुअली पेड गिव अवे है। आप सोच रहे होगे कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो भाई इसकी जो एंट्री फीस है वो है ₹100, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने 1xbet का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के दबाना है और रजिस्टर करना है एंड ₹100 डिपॉजिट करने हैं। ₹100 डिपॉजिट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है इलीट स्क्वाड वाला हमारा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाना है एंड जाकर के वहाँ पे जो मॉडरेटर है हमारे जनरल चैट पे जाकर के मॉडरेटर को स्क्रीनशॉट भेजना है कि भाई देखो मैंने ₹100 डिपॉजिट कर दिए, तो फिर वो आपको एक 1xbet नोबिया गिव अवे का रोल दे देगा, जो कि हमारा रेड मैजिक 3 का गिव अवे है उसका लिंक लाइक रोल दे देगा एंड ये गिव अवे चलने वाला है अगले 20 दिन तक, समझ रहे हो 20 डेज का गिव अवे है ये। तो अगर आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, देखो मेरा मानना है कि अच्छा है भाई, ₹100 लगाओगे 26,000 का फ़ोन जीतने का तुम्हारे को चांस मिल रहा है, ठीक है ₹100 लगा करके। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ दबाओ डिपॉजिट करो ₹100, स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे जो एलीट स्क्वाड के वहाँ पे जाकर के वो स्क्रीनशॉट शेयर करो एंड वो आपको रोल दे देंगे एंड 20 दिन बाद इसका एक लकी विनर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि एक सिलेक्ट होगा, लाइक लकी विनर होगा इसका एक, वो पूरा रैंडमली सिलेक्ट होगा एक बॉट के थ्रू एंड अगर आप जीतते हो तो आपको मिलेगा 26,000 का एक फ्री रेड मैजिक 3 मेरी तरफ से आपके घर पे। एकदम से स्क्वाड भाई ऊपर से नीचे कूदम का आदि करके हम पर चारों तरफ से रश कर देती है एंड इसके बाद तुम्हारे भाई ने जो ही क्लच मारा है ना एंड अब तुमको बस यहाँ पर देगी चार चार पेटियां एकदम धुआं बनता हुआ उनका, तुमको मजा आ जाएगा ये सीन देख करके गाइस। आईला जादू रे जादू, ये क्या हो गया भाई एकदम से, ये तो गलत सी स्कैम हो गया, तुम लोगों ने देखा ये क्या हुआ भाई, मैंने मारा उठा करके आखिरी बंदे को M4 का स्प्रे एंड वो चारे के तीन बंदे नॉकआउट वहीं के वहीं पड़े थे एंड इन चारों की पेटी ना एक साथ बन गई, तो लाइक देखने में तो बड़ा यू ना फंटास्टिकल है, कोल लग रहा था कैब गैंग। तो फिर अब क्या होता है कि भाई हम यहाँ पर बैठ के आराम से टीवी पे ले रहे हैं एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भाई तुम लाइक कर रहे हैं, कर दो यार, थैंक यू सो मच, कर दिया आपने, अरे वाह भाई वाह, हम तो एकदम मस्त है रे कैब गैंग। तो अब यहाँ पर सीन क्या था कि मेरे दोनों बंदे मर चुके हैं एंड मैं आखिरी बचाऊँ एंड जैसे जैसे सर्कल छोटा होता जा रहा है ये बंदे बहुत ज़्यादा पास पास आते जा रहे हैं एंड सीन क्या था कि ये लोग ना आपस में दूर दूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मर नहीं रहा है यार कोई, बस चाटे चाटे मार रहे हैं दूर दूर से एक दूसरे को ये लोग। तो मैंने अपनी निकाली US, उसके ऊपर एक मैंने ना धुआं सा कर दिया कि भाई अब यहाँ पर से निकलते हैं अगली वाली बिल्डिंग पर चलते हैं, क्योंकि अगर कोई कैंप वैम्प कर रहा होगा एंड उसने मेरे को देख लिया US निकालते हैं तो भाई बहुत बुरी मौत मरूंगा मैं। निकाल ली US यार अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए, क्या आयला जादू रे जादू, यहाँ पर जा कर के हम अपनी US छुपाएंगे, सीधी बात नो बकवास, यहाँ टीपी पे लेके जिंदा रहने का है। लेकिन भाई जोन बाबा कहाँ किसी की बात मानते हैं, जोन बाबा भी अपनी यू नो कतई ढीठ जस्ट लाइक योर रेक्स धोखा दे दिया यार, चला गया मेरे ऊपर से वापस से अपनी गंदी सी नजरें लेकर के, व्हाट इज दिस जोन।
नहीं वाय, क्यों हमेशा तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? तो अब भाई एक दूर से गाड़ी जा रही होती है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा यू नो कार 98 के चाटे मारने की ट्राई करता हूँ, M4 का स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन गाइस तुम देख सकते हो जो जोन बाबा है, हाय अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, जोन नहीं काट दिया घर यार का। अब बट मैं आ गया अगली वाली बिल्डिंग में गाइस, मैं आ गया अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के ना। अब क्या था ना कि लाइक मैं कहीं पुश भी नहीं कर सकता हूँ ना ही कुछ कर सकता हूँ, मैं बस एक जगह होल्ड कर सकता हूँ। अब मेरे को दूर बंदे दिखते हैं, उनके ऊपर मैं M4 का स्प्रे मारने की कोशिश करता हूँ, उनको कार 98 से यू नो रोकने की कोशिश करता हूँ, उनके टायर फोड़ देता हूँ जल्दी से। वैसे मैं कुछ ज़्यादा डैमेज किसी को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि भाई मेरी बगल वाली बिल्डिंग में कम से कम भी 3-4 बंदे, अगर मैं उनके ऊपर रश करूँगा तो वो मेरी पेटी से बना देंगे जो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आएगी, है ना। तो मैं वेट करता रहा, एंड जोन और छोटा होता गया, मतलब जोन बाबा भी ना कतई कभी साथ नहीं दे सकते। नहीं यार ऐसे भी मत करो यार जोन बाबा तुम, नहीं इतने बुरे हैं क्या हम भाई कि तुम साथ ही नहीं दे सकते यार। तो अब मैं यहाँ पर से कार 98 चला रहा था, इधर उधर बंदे ढूंढ रहा था, तो इतने में क्या होता है जो सामने वाली स्क्वाड है ना उसके बंदे को मैं मारने के लिए पीक लेता हूँ कि भाई अब तो इनको मारने का है, ये बंदे बाहर में आ रहे हैं। तो इतने में भाई मेरे को राइट साइड से भी बहुत बड़ा डैमेज पड़ता है, तो मेरी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, लाइक मैं इधर मरते मरते बचता हूँ इधर ही ना, एंड एकदम से भाई मेरे पे राइट वाली बिल्डिंग से रश भी हो जाता है, तो सीन बड़ी यू नो गड़बड़ वाले हो जाते हैं कैब गैंग, क्योंकि मेरे पास तो कार 98 है, मैं तो भाई दूर दूर तक यू नो पीक पाक लेके बंदों को नॉकआउट करने की फिराक में हूँ, लेकिन बंदे छुपे हुए। छुपो बेटा छुपो, नहीं नहीं ना तुम्हारा ही घर है, छुपो, अरे अच्छे से छुपो बेटा, अब जब जोन आएगा ना तब निकलोगे तुम दो कड़े के नुबड़ो, अभी तुम बस छुपे हुए हो तुम। अब मैं आगे देख रहा हूँ, मैं चाहता था कि ये बंदे गाड़ी लेके निकले, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इतने भाई साहब मेरे को राइट से आकर के पड़ता है पट से हेडशॉट, और मेरे फट जाते हैं, मैंने कहा हेला जाडो डायनामो, फिर मेरे को याद है नहीं डायनामो नहीं है, लेकिन मेरी HP देख रहे हो, वो तो मैंने सही टाइम पे फुल बूस्ट मार रखा था, मैं आराम से यू नो पहले हेल्थ मारता हूँ गाड़ी में बैठने से पहले। एंड यहाँ पर गाइस कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि चारों तरफ से मेरी गाड़ी को गोली पड़ती है, लेफ्ट में बंदे भाग रहे हैं जोन में, मेरे आगे बंदे जोन में भाग रहे, भाई साहब इतना इंटेंस हो जाता है ना फाइनल सर्कल कि क्या ही बताऊं मैं, कैब गैंग एकदम से खतरनाक हो जाता है। तो यहां पर भाई मेरे पे चारों तरफ से गोलियां पड़ रही होती है, लाइक जहां देखो वहां से गोलियां आकर के पड़ रही होती है, मेरे को सामने ना एक गिली सूट में बंदा दिखता है और लाइक और भी बंदे दिखते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे आगे भी स्क्वाड है एंड मेरे लेफ्ट में भी नीचे स्क्वाड है। तो अब सिंपल सा ऑप्शन है कि सामने वालों को थोड़ा डैमेज देता हूँ, क्या पता किल काल से मिल जाए ना, केड़े वेड़े से बढ़ जाए मेरे। तो सामने वाले बंदों को पूरा प्रेशर में रखने के लिए मैंने बहुत भाई पागल जैसे स्प्रे मारा, लेकिन फिर जोन यार नहीं, जोन कभी तो साथ दे दो, नहीं इतना गुस्सा हो क्या मेरे से बेटा, तुम हमेशा दूर ही दूर कटे जा रहा है यार, एक बारी को भी मेरे पे नहीं बन रहा, ये कहाँ का इंसाफ है भाई, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ पाजे। तो तुम्हारा भाई निकल जाता है जोन के लिए क्योंकि अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं होता, 20 सेकंड सारे मेरे हाथ के अंदर है, अगर अभी नहीं निकला तो कभी निकल नहीं पाऊंगा, अपनी बेटा बेटी इधर ही बनवाऊंगा। तो बट इतने में मेरे को राइट साइड में भाई एक किल मिलता है फ्री का ना, खुले में घूम रहा था मैंने बजा दिया बंदे को फ्री फोकट। उसको मारते ही ना मेरे साथ यार बहुत बुरा होता है, सामने बंदा दिखता है उसको मैं गोली मारने के लिए ट्राई भी करता हूँ लेकिन मेरा बैग खुल जाता है यार, मेरा बैग खुल जाता है। एंड इसके साथ चिकन डिनर चला गया यार फाइनल सर्कल की फाइट में, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम्हें मजा आया तो भाई नीचे आकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड भाई ऑफ कोर्स कुत्तों को बिल्लियों को गायों को या जो भी जानवर मिल जाए उसे खाना दे देना। पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।